मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और इस बात को दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की चीजों को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। पहली चीज है ब्रीदिंग। आप गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, नाक से गहरी सांस लीजिए, फूंक मारिए। जितनी देर तक फूंक मारते जाएंगे आपकी लंग्स सांसों को उतनी देर रोकने की कोशिश करेंगी और ये जो कोशिश है लंग्स में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को रुकने से बचाएगी। ठीक है, आपकी लंग्स ठीक हो गए। दूसरी बात, आप ओम का उच्चारण कीजिए। ओम एक मेडिटेशन है। आप गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि आपके शरीर के चारों ओर ओम का वाइब्रेशन है और आप गहरी सांस लेकर ओ का उच्चारण कीजिए। अपने कंठ में ओ को स्थापित कीजिए, मस्तिष्क में म का वाइब्रेशन फील कीजिए और देर तक ओम कहते जाइए। ये भी एक प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप सांस रोक रहे हैं ना, अगर आप सांस रोक रहे हैं मतलब आपके लंग्स में सांस रुक रही है, सांस रुक रही है तो खाली हो रही है क्योंकि हम देर तक सांस छोड़ते जाते, एक्सहेल करते जाते हैं। इस तरह से हम लंग्स के किसी भी कोने को खुला नहीं छोड़ेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आए। इसके बाद एक रुमाल लीजिए, सिंपल सा रुमाल है, गहरी सांस लेंगे, फूंक मारिए, उड़ रहा है ना, देर तक कोशिश कीजिए, 10 की 20 की गिनती तक आप मन में गिनती दोहराते जाइए, फूंक मारते जाइए, दिस विल वर्क। सिंपल फूंक मारने की एक्सरसाइज है। एक दुपट्टा लीजिए या टाल, इसको अपने चेस्ट के लेवल पर टाइप करेंगे, ऑपोजिट हैंड से पकड़ा, गहरी सांस लीजिए, प्रेस कीजिए एंड रिलैक्स रिलैक्स। इस तरह से आप सेगमेंटल ब्रीदिंग का काम करते हैं। लोब्स के जो अलग अलग हिस्से सीटी स्कोर में आ रहे हैं कि आपका स्कोर 4 है 5 है, लोब्स को 25 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर आप हर हिस्से को प्रॉपर ऑक्सीजनेट करेंगे तो कहीं भी कोरोना वायरस या उसके सगे संबंधी डेवलप नहीं हो सकते। यकीन मानिए, प्लीज डू दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 20 मिनट्स अ डे। घर पर कोविड को टेस्ट करने का एक बहुत इजी तरीका है 6 मिनट वॉक टेस्ट। उसमें आपको क्या करना है, आप पहले ऑक्सीमीटर चेक कीजिए, आपका ऑक्सीजन क्या कहता है, 97-98 कुछ होगा राइट। उसके बाद आप 6 मिनट वॉक कीजिए। वॉक का मतलब है सिंपल वॉकिंग, बैठे बिना रुके बिना चलते जाइए। आप एक स्पीड में छत पर, हॉल में, कहीं भी वॉक कीजिए। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन लीजिए। अगर आपका ऑक्सीजन 5 से ज्यादा डिफरेंस पर है, मतलब पहले 99 था और अभी 94 है या 97-92 है, अगर 5 से ज्यादा का डिफरेंस है तो थोड़ा सा अलार्मिंग है। अलार्मिंग का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर ले आए और कपूर लेना शुरू कर दे, बहुत सारी भाप लेने लगे, नहीं। अलार्मिंग का मतलब है आपको ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ाना है, वही ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि क्या करेंगे, आप हॉस्पिटल भी जाएंगे, आपको ऑक्सीजन चढ़ाएंगे राइट। शुद्ध ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में मास्क के द्वारा लगाई जाएगी। बेचैनी होती है उसको लगा के, इतना इजी नहीं है उसको लगाना जितना हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए खुश हो रहे हैं। ऑक्सीजन लगाएंगे ना, आप क्या करिए, छत पे जाइए, आसपास नीम का, पीपल का, बरगद का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, जो हो, उसके पास बैठकर गहरी सांस लेना शुरू कीजिए। जनाब 15 मिनट करके देखिए, जब गहरी सांस लेंगे और फिर ऑक्सीजन चेक करेंगे 6 मिनट वॉक टेस्ट में, आप वापस नॉर्मल लेवल पर आ जाएंगे। 5 से ज्यादा डिफरेंस हो तो परेशान होना है। 99 का 97 हो जाता तो इट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि हम लोग इतने स्पोर्टिंग और एथलेटिक नहीं है कि हम हर दिन काम करें। बट अगर 99 का 99 है मतलब बहुत अच्छी बात है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।